नमस्कार, इन विजन में आपका स्वागत है और बात है एक सनसनीखेज खबर की। आपसी रंजिश के चलते पोटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत खेत में एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक अश्विन ढोने हैं। अश्विन और आरोपी में घटना के दौरान शराब पीकर कहा सुनी हुई, उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना का आरोपी शुभम पाटिल है। शुभम और अश्विन दोनों साथ में ही खेत में शराब पी रहे थे। दोनों में पैसों के लेन देन पर बहस हुई, जिससे आक्रोश में आकर शुभम ने अश्विन का गला धारदार हथियार से रेत दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक पर हत्या का प्रयास और चोरी के मामले दर्ज है। आरोपी का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। खापरखेड़ा थाने में दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में अश्विन को खापरखेड़ा पुलिस ने देशी कट्टे के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। घटना में और भी आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही अश्विन शुभम के पीछे तलवार लेकर दौड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए नागपुर भेज दिया। खापरखेड़ा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। NBC न्यूज़ के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबी के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।